वक्त आ चुका है रोमैसा आपकी आंखें कर दी जाएं बंद। गेम का नाम है नजर बंद। इसके गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर। हम करेंगे ये कि हम आपकी आंखें बंद करेंगे, इससे हमारे पास ये है आई मास्क, और इसके बाद स्क्रीन के ऊपर कोई तस्वीर आएगी, वो कोई शख्सियत हो सकते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कोई जानवर या फिर कोई जगह। आपने सवाल पूछ के गेस करना है कि वो चीज़ क्या है। मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? लगाओ। क्या है? क्या है सवाल पूछेंगे भाई? पहला सवाल, ये लिविंग थिंग है नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है, किस काम आती है? ये आती है जलाने के, दबाने के, इस तरह। एक सेकेंड, ये किस शेप की है? ये तिकोने शेप की। तिकोने शेप की, और ये जलाने के काम आती है? जलाने, दबाने। दबाए क्यों रहे इसे? है भाई, कुछ कहते हैं दबा के लाओ, इंग्लिश में कहते हैं। मैं सही हिंट्स दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको क्या सवाल पूछूं इसका? हाँ, उर्दू में जो इसका नाम है, हाँ वो हिंदी में इसका कोई और मतलब है? क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या अश्लील बातें हो रही हैं? अश्लील बातें बिल्कुल नहीं। और इंग्लिश में जो इसका नाम है उसके नाम से मूवियां बन चुकी हैं। आग लग रही है, इंग्लिश में नाम है, और कुछ बताएं यार, नहीं समझ। अच्छा, बुरे वक्तों में इसके ऊपर खाना बनाया जा सकता है? चूल्हा? चूल्हा नहीं, चूल्हा नहीं। सिलेंडर? सिलेंडर भी नहीं, सिलेंडर। हाँ, गैस नहीं करना, कोई सवाल नहीं पूछने। अच्छा सॉरी सॉरी, अच्छा ओके। बुरे वक्त में इस पे खाना बनाया जाता है? हाँ। हाथ में पकड़ते हैं इसको बेसिकली, हाथ में पकड़ते हैं। हाँ, हाथ में पकड़ते हैं। ये एक अच्छी हिंट हो गई बस, लेकिन एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से ऐसे ही नहीं पकड़ते, ऐसे जल जाएगा, ऐसे ऐसे पकड़ते। अच्छा, आज आप यूज किया होगा आपने, यकीनन यूज की होगा। मैंने यूज किया है, की है। जलाने के काम आता है। आप पैसे वाली हैं, आपने किसी से करवाया होगा। है ना, ऐसा खुद से नहीं इस्तेमाल किया होगा, इसे खुद से नहीं किया होगा। इससे खाना पकता है? पक सकता है, लोगों ने पकाया है, लोगों ने खाने की चीजों से इसका काम किया है। है ना, इसका मटेरियल क्या है? इसका लोहे का मटेरियल है। लोग अक्सर, देखो बताता हूँ, आपने सुना होगा एक बयान आया था, मैंने फ्राइंग पैन से क्या किया? फ्राइंग पैन से मैंने क्या किया? बुरे वक्तों में जेलों में फ्राइंग पैन से लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? छोड़े, अच्छा एक काम करें, एक काम बताए, कहीं भी जाना हो, हाँ, कहीं जाना हो, तैयार होना हो, उस वक्त जरूरत पड़ती है इसकी। जब कहीं तैयार होना और जाना हो तो उसकी जरूरत पड़ती है? देखो, जलाने के, दबाने के। दिमाग खराब हो गया मेरा। झुरियां, झुरियां, झुरियां मिटाने के काम आता है, झुरियां। झुरियां? इस्त्री इज द राइट आंसर। अल्लाह सॉरी, पहले रहना, पहले रहना, पहले रहना बेटा, कोई आसान आइटम दिखाओ। बहुत मुश्किल था। वाह, लग गया। क्या ये नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग, लिविंग थिंग है। काम नॉन लिविंग वाले है, लिविंग। ये कोई कंटेंट क्रिएटर है? बहुत बताएं, कंटेंट क्रिएटर है कोई? लग तो रहा है। यूट्यूबर है? हाँ। डकी है? डकी है। लगाओ, लगाओ, लगाओ। ये लड़के किस खुशी में इतना खुश हो रहे हैं, क्या लगता है? बस बस, अब ये भाई डकी से ऊपर की बात है। डकी से ऊपर की बात लगा दी मैंने। ये कोई शकी, होस्ट शकी, है? शकी, ये होस्ट है? नहीं नहीं, होस्ट नहीं। लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग? लिविंग भाई, लिविंग, ऐसा एकदम लिविंग। अच्छा, ये कंटेंट क्रिएटर है? अरे बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। ये लड़की है? नहीं नहीं, लड़की नहीं, लड़की नहीं है ये। ये पाकिस्तानी है? हैं, पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है। और बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर? बहुत बड़े कंटेंट। ब्लॉगिंग करते हैं? क्या करते हैं? नहीं नहीं, ब्लॉगिंग नहीं करते। तो होस्ट करते हैं? नहीं नहीं, रोस्टिंग करते हैं? रोस्टिंग नहीं करते। ये अपने बालों से थोड़ा पहले से शुरू हो गए। जुनैद अकरम? नहीं नहीं, थे? बाल नहीं है मतलब? हैं, बाल हैं, हैं। शुरू के नहीं है, बालों से आगे से, बालों से आगे निकल गए। तो ये पॉडकास्ट करते हैं? थोड़े से यू करके आगे आ जाएंगे। तो पॉडकास्ट करते हैं? नहीं नहीं, पॉडकास्ट। अरे तो करते क्या है यूट्यूब पे? ये बस, ये जो करते हैं। अच्छा, मैं एक, अगर आप दो सवाल और पूछ ले, और अगर नहीं जवाब दे पाई तो मैं एक ऐसी हिंट दे दूंगा कि आप फौरन गैस कर लेंगे। अच्छा,
फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके, ये क्रिकेट भी खेल चुके, भी खेल चुके, मगर वजह शोहरत क्रिकेट नहीं है। ये कौन बंदा है जो क्रिकेट खेल, ये कौन बंदा है? और अब यूट्यूब पे हैं वो, यूट्यूब पर है इनका बनाए हुए, इनके बनाए हुए आइटम, इनकी बनाई हुई खास तौर पर PSL के लिए जो इन्होंने चीजें बनाई हैं वो बहुत काम है। बहुत बड़ी हिंट, बहुत बड़ी हिंट दे दी मैंने, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रही, गिव अप करो तो मैं हिंट दूं बड़ी। अच्छा बताएं हिंट है। अस्सलाम वालेकुम। चन्नो 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 बनो बनो बनो। ये जो डंडा है चाहत यार, आपने कान पकड़े थे इनका नाम लेने से पहले? सॉरी ऐसे नहीं चलेगा, ये लेजेंड है। ओके चाहत फतरी उस्ताद, उस्ताद है मोहतरम चाहत फतरी खान। चनो 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 बनो बनो बनो। इनका पूरा नाम भाई उतार दे रोमैसा, इनका नाम होना चाहिए उस्ताद मोहतरम बुलबुले पाकिस्तान जाने इंग्लिस्तान। यार ये तो लेजेंड है, मैं तो कान पकड़ती हूँ इनका नाम लेने से। वो कहते बड़ा सिंगर, वो कहते गले में भगवान बोलता है, भगवान बोलता है। इनके गले में कुछ ना कुछ है जो बोलता है। ये हो गया हमारा गेम फिनिश। बहुत अच्छा खेला आपने, बिल्कुल भी एक हिंट भी, वो एक भी ऐसा था जो आसानी से गैस नहीं किया रोमैसा साहब ने, उसके बावजूद कि मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको ये देना ही। तालियां रोमैसा, इतने सारे लाखों करोड़ों में फैंस हैं, 6-7 मिलियन टिकटॉक पर हैं, इतने ही इससे ज़्यादा मतलब पता नहीं से ज़्यादा हैं, इससे कम इंस्टाग्राम पे भी मिलियंस में हैं ऑफकोर्स। कोई क्रेजी फैन तो आज तक मिला होगा भाई? ऐसा तो नहीं हुआ होगा सादा खुशबू छोड़ दिया हो लोगों ने आपको? हाँ ऐसा हो जाता है कभी कभार। क्या स्टोरी है कोई क्रेजी फैन की स्टोरी? कोई बुजुर्ग टकरा गए थे? हाँ वो एक बड़ी वियर्ड स्टोरी है। हम एक शूट पे शूट कर रहे थे, तो वहाँ पर एक जूनियर आर्टिस्ट होते हैं जो जितने भी, तो उनमें से एक बड़े बड़ी उम्र के ना, काफ़ी बड़ी उम्र के साहब थे, और वो रोज़ मेरे लिए केक ले आया करते थे बड़ा सा। अब मुझे गिल्ट होने लगा, मैंने कहा आप ना लाया करें साहब, ऐसे नहीं करें। कहते नहीं मैं US से आया हूँ और मैं सिर्फ शूट देखने आया हूँ आपकी, और ये वो ऐसे कैसे, मैं तो केक लाऊंगा ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और ले आए सर रोज केक, कहाँ केक ना? हाँ तो फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ US चले, मैं आपको US घुमाता हूँ। तो मैंने कहा आपकी बीवी है जिंदा? हाँ। तो मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा तो ज़रा उनसे तो पूछे। उन्होंने कॉल उठाई, हाँ हेलो बेगम वो मैं ले आऊँ? कहती हाँ ले आ ले आ, कोई बात नहीं आ ले आ। क्यों मेवन थे तो एकड़ी में ना डा आ जा। मैंने कहा अच्छा हम फुल शुगर फैमिली चल रही है। बीवी भी बोल रही हाँ ले आओ लड़कियाँ ले आओ, क्या हो रहा है? आप लोग उन पर शक किया, हो सकता है वो बेटी बनाना चाह रहे हो है ना, केक ला रहे हैं। एक बुजुर्ग पे शक किया आपने जो केक ला। शक नहीं किया, मैंने ये नहीं कहा वो ठरकी है या कुछ है, मैंने बोला ही वाज अ फैन। ठीक ठीक ये इल्जाम है।